श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भोपाल में जोरों शोरों से तैयारियां देखने को मिल रही हैं। मंदिरों से लेकर घरों तक साज सजावट का काम शुरू हो गया है। बाजारों में दुकानों की रौनक देखने को मिल रही है। भोपाल में इस साल बाजार में श्री कृष्ण के लिए काफ़ी अनोखी अनोखी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसमें इस साल आधुनिक चीज़ें भी शामिल हैं। इस साल श्री कृष्ण के लिए कई अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मार्केट में आई हुई हैं। इसमें एसी, कूलर, पंखे भी शामिल हैं, जो बाल गोपाल को भीषण गर्मी से बचाएंगे। के साथ साथ उनके लिए चक्कू वाला पालना भी आया है, जिसमें बैठकर लला भ्रमण करेंगे। अगर बात भ्रमण की जाए तो इस साल भगवान के लिए का भी इंतज़ाम किया गया है। इस साल दुकानों में बुलेट से लेकर कई सारी गाड़ियां भी आई हुई हैं। लड्डू गोपाल के लिए इस साल कई अनेक श्रृंगार के सामान भी मार्केट में दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ के व्यापारियों से बात करके जानते हैं इस साल किस प्रकार बाल गोपाल के लिए मार्केट सजा हुआ है और लोगों को किन प्रकार की चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश एकबार है। तो यहाँ पे ये कौन सी जगह पे ये दुकान लगी है? ये भोपाल न्यू मार्केट में लगी हुई है और यहाँ पे पूरा कान्हा जी का पूरा वस्त्र मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, झूले मिलेंगे, उनका पूरा XYZ पूरा सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस बार क्या क्या मार्केट में नई नई चीजें आई है कान्हा जी? बहुत सारी चीजें आई है, जैसे झूले आए हुए हैं अभी पूरा, और लाइट वाले झूले हैं, पंखे हैं, कूलर है, और प्लस कहते हैं ऐसी कि वो बिक गई मेरे पास अभी नहीं है। और कान्हा जी के लिए और क्या क्या चीज़ें आई हैं? अभी मेरे पास कान्हा जी के लिए बाइक, फोर व्हीलर भी है, पंखे भी हैं, और मोबाइल भी है, उनका पूरा मतलब सब सामान मिल जाएगा। वस्त्र में ये बेड आया हुआ है, देख सकते हैं आप अभी ये वाला, और फर्नीचर भी उनके लिए देखिए। इस बार सबसे ज्यादा ग्राहकों को किस प्रकार का झूला पसंद आ रहा है? अभी इस प्रकार तो अभी ये झूला भी आपको मैंने वो दिखाया था, अभी कहते हैं अपना ये वाला दिखाया था आपको, ये पहिए वाला झूला था, ये अभी बहुत चल रहा है।